जैसा कि आप जानते हैं महाराष्ट्र में 23 नवंबर को माननीय राज्यपाल महोदय ने रात के अंधेरे में देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी और उनके साथ श्री अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। हम तुरंत इतवार को ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम आए थे, हमने एक याचिका दर्ज की थी, पिटीशन फाइल किया था तीनों पार्टियों ने मिलकर, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर एक पिटीशन दायर किया था। हम धन्यवाद देते हैं सर्वोच्च न्यायालय को कि उन्होंने इतवार को ही हमारी बात सुनी, फिर सोमवार को हमारी बात सुनी और आज अपना फैसला दिया है। एक अंतरिम फैसला है जिसमें कहा गया है कि इस मामले में बहुत सारे महत्वपूर्ण संवैधानिक मामले पैदा हुए हैं, लेकिन आज जो हमने प्रेयर की थी कि तुरंत फ्लोर टेस्ट कराया जाए, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मान ली है बात। कल 11 बजे हाउस में सदस्यों की शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा, वो 5 बजे तक समाप्त होगा और तुरंत 5 बजे स्पीकर प्रोटेम फ्लोर टेस्ट कराएंगे, जो गुप्त मतदान से नहीं लेकिन ओपन वोटिंग से होगी और उसका सारा वीडियो चित्रीकरण किया जाएगा। ये एक कोर्ट सुपरवाइज्ड फ्लोर टेस्ट होगा। हम इस फैसले से तीनों दल पूरी तरह से संतुष्ट है। आज संविधान दिवस पर असली में संविधान की का सम्मान रखा गया है और आज देश में संविधान का महत्व सारी जनता के सामने सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है। मैं धन्यवाद देता हूं सभी दलों के नेताओं को कि उन्होंने जो कल 162 विधायकों को इकट्ठा लाकर आपके सामने पेश किया था वो वास्तविकता थी, जो वास्तविकता कल शाम को 5 बजे वो सिद्ध हो जाएगी। मैं गुजारिश करता हूं आज जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है कि कल ये सब होने के बजाय आज ही अपना तुरंत अपना इस्तीफा राज्यपाल महोदय को सौंप दे। धन्यवाद। पहले इनकी बात सुन लो। अभी मैं मराठी में बोलता हूँ, शिवसेना पार्टी के तरफ से वन ऑफ द पिटिशनर और हम लोगों ने दर्ज किया सैटरडे शनिवार या अमी रात्रि पिटिशन याचिका दाखिल के लिए। ही याचिका राष्ट्रवादी कांग्रेस आणि शिवसेना आणि कांग्रेस यांनी ही याचिका दाखल केली। या याचिकेमध्ये आम्ही कोर्टाकडे मागणी केली होती की 24 तासांमध्ये फ्लोर टेस्ट करा, प्रोटेम स्पीकरची अपॉइंटमेंट करा आणि एक महिना होऊन देखील आज 288 आमदारांचं जे शपथ ग्रहण झालेलं आहे ते शपथ ग्रहण प्रोटेम स्पीकरच्या मार्फत करा। त्यासाठी सुनावणी सोमवारी झाली आणि आज मंगळवारी त्याचा वर्डिक्ट आलेला आहे। या वर्डिक्टबद्दल आम्ही तिन्ही दलाचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि आम महाराष्ट्रातली जनता पूर्णपणे समाधानी आहे। आमच्या इच्छेप्रमाणे आज संविधान दिन आहे, संविधानाच्या दिवशी संविधानाच्या संदर्भात जी काय या सरकार स्थापनेच्या बद्दल इन्स्टॉलेशन ऑफ CM डेप्युटी CM हे कसं व्हायोलेशन होतं हे आजच्या ह्या निर्णयाने आम्हाला मिळालेलं आहे। आम्ही पूर्णपणे समाधानी होतो। थोड़ा मैं माफी चाहता हूँ, मेरा गला खराब है लेकिन मैं आपको अंग्रेजी और हिंदी में संक्षेप में कुछ कहना चाहता हूँ। ये आज संविधान दिवस पे सबसे बेहतरीन गिफ्ट है देश को उच्चतम न्यायालय द्वारा। उच्चतम न्यायालय को हम नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि शनिवार की याचिका को तुरंत इतवार को सुना गया, बार बार समय मांगने के कारण पुनः वापस सोमवार को सुना गया और आज निर्णय आ गया है और कल 5 बजे तक
ये कार्रवाई या 6-7 बजे तक ये कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। अब इसके मैं आपको 2-3 रोचक और यूनिक फीचर्स बताना चाहता हूँ जो शायद भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। पहली बात, जैसा आप जानते हैं कि लगभग 8 या 9 निर्णय हैं उच्चतम न्यायालय के, जिसमें मेरा प्रिविलेज रहा है पेश होने का खुद निजी रूप से, जहां के सब सेफगार्ड्स, सब सुरक्षा चक्र के मुद्दे उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय में भी दिए हैं। प्रोटेम स्पीकर होगा, पहला एजेंडा ये होगा, इत्यादि इत्यादि वो आपको बता दिया गया है, ऑर्डर में लिखा है। लेकिन रोचक बात यह है कि इन सब मुद्दों पे जबरदस्त विरोध हुआ था। एक एक मुद्दे पे कहा गया था कि प्रोटेम स्पीकर नहीं होना चाहिए, नॉर्मल स्पीकर होना चाहिए। कहा था कि कम से कम हमको 12 दिन दो, 14 दिन दो, 10 दिन दो, 8 दिन दो, 4 दिन दो। कहा था कि आप स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो ये पहला मुद्दा है कि इसमें उच्चतम न्यायालय ने बिल्कुल नकारा, और आपको इस बात से अपने आप का एक संदेश और संकेत है कि कौन ये सब दलील कर रहा था, हमारे विरोधी। इसका मतलब क्या है, किस चोर की गाड़ी दाढ़ी में कौन सा तिनका था, कौन चाहता है विलंब। नंबर दो, इसमें एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, और मैं समझता हूं जब भी नई सरकार बनती है उसका जो भी रंग है उस पर वो कानूनी कार्रवाई कर सकती है। मैं नहीं समझता कि 75 वर्ष भारत में या 72 वर्ष भारत में कभी पहले ऐसा हुआ है कि संवैधानिक पदाधिकारी, जो अपने आप को उप मुख्यमंत्री कहते हैं और जो अपने आप को मुख्यमंत्री कहते हैं, और मैं तो ये कहूंगा स्पष्ट के राज्यपाल का पद भी, एक ऐसी सूची पे जिसमें न कोई कवरिंग लेटर है, न कोई शुरुआत का पैराग्राफ है, एक एमएलए ने नहीं कहा है लिखित, एक एमएलए ने कि हम जा रहे हैं इन हस्ताक्षरों के आधार पर सरकार बनाने बीजेपी के साथ, उसके आधार पर किस बेशर्मी से एक व्यक्ति जाकर घोषणा करते हैं। ये अपने आप में एक अनूठी कथा है। ये न कर्नाटक में थी, ये न मणिपुर में थी, न गोवा में थी, न अरुणाचल में थी, न उत्तराखंड में थी। ये हमारे नैतिकता को और हमारे संवैधानिक मूल्यों की सबसे नीचे पाताल वाला स्तर है, और ये सब हुआ है बीजेपी जो आपको इतने उपदेश देती है। तीसरा, आपने देखा इसमें कि संविधान को किस प्रकार से संरक्षण करने के लिए ये जो डेस्परेशन देख रहे हैं आप कि सरकार किसी रूप से बने, बाय हुक और बाय क्रुक।